सुमित दोस्तों, हम अलग अलग स्कूलों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में और करियर गाइडेंस के क्षेत्र में बच्चों को क्या करना चाहिए फ्यूचर में, अंतरिक्ष विज्ञान में वो कैसे करियर बना सकता है, इस बारे में हम स्कूलों में कॉलेजों में अवेयर कर रहे हैं। दोस्तों आप हमें डायरेक्ट बुलाइए, स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं मुझसे कॉल कीजिए, हम पूरा सेटअप लेके आएंगे बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान में। चंद्रयान 1 क्या है, चंद्रयान 2 क्या है, चंद्रयान 3 क्या है, मंगलयान क्या है, नासा अपॉर्चुनिटी मिशन क्या है, नासा ने अपोलो 11 को कैसे छोड़ा, रॉकेट कैसे, कितने कितनी तरह के होते हैं दोस्तों, ये सारी चीज हम बताएंगे आपको, आपके बच्चों को बताएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 12th के बाद बच्चा क्या करे, माँ बाप को पता नहीं है, टीचर केवल लिमिटेड लिमिटेड फील्ड के बारे में बता सकते हैं। हमने दोस्तों एक डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सॉफ्टवेयर बनाया है दोस्तों, जिसमें आप जाके कम से कम 150 से 200 कैरियर के बारे में जान सकते हैं, ना केवल जान सकते हैं, उसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसमें आपके फॉर्म की चार्ज कट जाएंगे दोस्तों, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर हमने बनाया है। अब तैयारी कैसे करें, उसमें बुक्स के नाम लिखे हुए हैं और पैटर्न लिखा हुआ है, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते हैं, ये सारी चीज उसमें, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है 12th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए। और ये जो हमने तारामंडल बनाया है, प्लेनेटोरियम, क्योंकि छोटे बच्चे हर सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में नहीं जा सकते, गांव बच्चे नहीं जा सकते, टाउन के बच्चे नहीं जा सकते, लेकिन उनमें एक क्यूरियोसिटी रहती है, जो हमारा देश अंतरिक्ष विज्ञान में इतना काम कर रहा है ये कैसे होगा उनके मन में रहता है, मैं इसरो में कैसे नौकरी लगूं, मैं क्या पढ़ाई करूं कि मैं इसरो में चला जाऊं, मुझे पेपर कैसे आएगा इसरो में। तो ये सारी चीज हम दोस्तों आप बताएंगे, एक तारामंडल दिखाएंगे, उसमें बता रखा है मार्स पे क्या है, हम कैसे मार्स पे जाएंगे, मरकरी पे क्या है, जुपिटर पे क्या है, अर्थ पे कैसे हम लाइफ सर्वाइव करेंगे दोस्तों, सैटर्न पे क्या है, यूरेनस पे क्या है, नेपच्यून के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में बताएंगे, तारों के, उनकी तारों की जो कंप्लीट जो लियो या और चीजें बनती हैं उनके बारे में बताएंगे दोस्तों। हमें बुलाए, हम उस इंस्टीट्यूशन को कुछ पैसा भी डोनेट करेंगे दोस्तों, ताकि वो बच्चों को आगे निकाले। तो दोस्तों हमें बुलाएं फोन करके, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं अपने, अगर आप स्कूल से जुड़े हों, स्कूल के प्रिंसिपल हों, किसी साइंस टीचर हो, कॉलेज से जुड़े हो, हायर अथॉरिटी हो, कॉलेज में साइंस के आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, 11th 12th में आप कनेक्टेड हो, साइंस फील्ड में कनेक्टेड हो, इन देन कॉमर्स और आर्ट्स फील्ड में भी अगर कनेक्टेड हो, तो हम उनके कोर्सों के बारे में भी दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आर्ट्स से और कॉमर्स से जुड़े हुए हैं वो भी हमें बुलाएं, ताकि बच्चों को पता चले आर्ट्स और कॉमर्स के बाद हमें क्या करना है, क्या हमारे पास चॉइसेस हैं। तो दोस्तों हमें बुलाएं, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस वीडियो के बाद हमने कुछ दिखा रखा है अलग अलग स्कूलों में कॉलेजों में जो हमने किए हुए हैं प्रोग्राम, उसको दिखा रखा दोस्तों। तो हम बच्चों के साइंस फील्ड में या दूसरी फील्ड में करियर कैसे बनाएं, इसरो में कैसे जाएं, नासा में कैसे जाएं, नेशनल स्पेस, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे जाएं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA इसमें कैसे जाएं, ये सारी चीजें दोस्तों हमने बता रखी है। विदेशों में आप कैसे पढ़ सकते हैं, कौन सी स्कॉलरशिप होती है, टॉफल आप कैसे क्लियर करते हैं, आईलेट आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, कौन सी बुक की जरूरत होती है, तो ये हमने सारी चीज बता रखी है दोस्तों। तो देर ना कीजिए, हमें बुलाइए, अगर आप स्कूल के, कॉलेज के या साइंस टीचर हो, कॉमर्स के लेक्चरर हो, आर्ट्स के लेक्चरर हो, तो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हो, मैं आऊंगा और आपको बहुत अच्छा आपको सेमिनार दूंगा। जो बच्चों की पढ़ाना ही दोस्तों एक अलग बात होती है, बच्चों को डायरेक्शन दिखाना भी बहुत जरूरी होता है, बच्चों में एनर्जी है, उसके अंदर प्रोपेलेंट है, फ्यूल है, लेकिन डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे तो बच्चा नहीं आगे बढ़ सकता। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र यादव है, मैं BPS पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूं। आज एक बहुत प्यारी वर्कशॉप डॉक्टर सुमित यादव के द्वारा यहां कराई गई। आपने हमारे बच्चों को बहुत सारे चीजों के बारे में, जैसे जो साइंस से रिलेटेड था, सौरमंडल के बारे में, नासा के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, तारामंडल के बारे में, और बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव चीज़ों के बारे में बताया, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और एक धनराशि जो आपने स्कूल को दी है, उससे हमारे स्कूल को इतनी हेल्प मिलेगी कि हम बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अरेंज कर पाएंगे, ताकि फ्यूचर में साइंस का कुछ मॉडल या प्रैक्टिकल वो लोग बना सकें। हम रिक्वेस्ट करेंगे सुमित यादव जी से कि भविष्य में भी जब मेरा नाम साई सिंह है, मैं BPS पब्लिक स्कूल से हूँ। हमारे स्कूल में एक सर आए थे जिनका नाम डॉक्टर सुमित यादव है, उन्होंने हमें मंगलयान के बारे में जानकारी दी, जो सर हमें बहुत रोचक लगे, हमने उससे रिक्वेस्ट की वो भविष्य में आए और हमें ऐसी अधिक जानकारी दे। थैंक यू बेटा, बैठ जाओ आप। हाँ बेटा आप बोलो। मेरा नाम विकास मिश्रा, मैं BPS पब्लिक स्कूल से हूँ। हमारे स्कूल में डॉक्टर
डॉक्टर सुमित यादव सर आए थे और वो हमें सोलर सिस्टम के बारे में बताएं और आगे ये बताते रहे, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा, सिट डाउन। हाँ आप बोलो बेटा। मेरा नाम आयुष मिश्रा, हम बीपीएस पब्लिक स्कूल से हैं। हमारे स्कूल में एक सर आए, उनका नाम डॉक्टर सुमित यादव सर है, वो तारा मंडल के बारे में बताएं, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू बेटा, सिट डाउन। हाँ बेटा आप बताइए। मेरा नाम रेशमा खातून, मैं बीपीएस पब्लिक स्कूल से हूँ। हमारे स्कूल में एक सर आया था जिनका नाम है डॉक्टर सुमित यादव सर, वो हमें तारों, ग्रहों और मंगल के, सूर्य के बारे में बताया थे और हमें बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, सिट डाउन। हाँ बेटा आप। मेरा नाम स्तुति सिंह है, मैं बीपीएस पब्लिक स्कूल से हूँ। हमारे स्कूल में एक सर आए थे जिनका नाम सुमित यादव सर है, हमको एक नासा प्रोजेक्ट के बारे में बताया। आपको कैसा लगा बेटा वो? और हमें बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, सिट डाउन। तो देखा हमने कि अभी कुछ बच्चों का हमने यहाँ पे जो डॉक्टर सुमित यादव का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था इन बच्चों के बीच में, तो बच्चों को वो जानकारियाँ यहाँ दी गई और हमें और हमारे यहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे, जैसे मिस्टर संतराम सर, इधर हम बात करें इधर मेरे लेफ्ट साइड में मिस्टर विजय सर, आप लोगों के संविधान में यहाँ पे जो एक वर्कशॉप रखा गया था बच्चों को, वो जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और कोशिश करेंगे कि वो भविष्य में भी हमारे इन बच्चों को इस तरह की जानकारी देते रहें। धन्यवाद।